क्या गुंडागर्दी हो रही है? क्यों धमकाया जा रहा है एक दूसरे को? छोटे मियाँ बड़े मियाँ क्यों लड़ रहे हैं? क्या हुआ छोटे मियाँ? छोटे मियाँ क्या हुआ, क्यों गुस्सा आया बड़े मियाँ पर? दोनों में बिल्कुल भी प्यार नहीं है, दोनों ही एक दूसरे से बस लड़ने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। क्यों? कहाँ जाओगे लड़ झगड़ कर? आर्मी ज्वाइन करनी है? बॉर्डर पर जाओगे? ये तुम्हारा बॉर्डर है? एक दूसरे के बॉर्डर पर आ गए हो लड़ने के लिए? बेवजह लड़ रहे हो, बेवजह। क्या हुआ, क्या हुआ, क्यों गुस्सा आ रहा है, ये क्यों आया है लड़ने के लिए? बताओ, तुम बताओ, कौन बताएगा मुझे? मैडम बोल रही हैं कुछ, जरा उनकी भी सुनकर आते हैं। हाँ बताओ क्या हुआ, क्यों लड़ रही हैं दोनों? तुम्हें ज्यादा पता है इन दोनों के बारे में? जज हो तुम, बैठे बैठे देख रही हो। क्यों लड़ रहे हैं ये? तुमने भेजा है ना छोटे मियाँ को लड़ने के लिए लूसी से? लुइस जो है तुम्हारा दोस्त है ना, कहूँ तो तुम्हारा पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, नहीं है? अच्छा, कौन है लाइफ पार्टनर? लूसी? लूसी है? नहीं, लूसी भी नहीं है, लुइस है। फिर अब कोई लाइफ पार्टनर ही नहीं है, फ्रेंड बन गया वो? बेबी भी नहीं हुआ, अंडे भी स्पॉइल हो गए, सो सैड। बताओ क्या हुआ है? अब इनकी भी बोलती बंद हो गई, इनकी शक्ल देखो, हाव भाव देखो, बिल्कुल उन्होंने खुद को कैमिलियन बना लिया है। ये देखो क्या गजब की शक्ल बनाई हुई है वो। चलो वापस आ गए हैं हम इन दोनों के पास। अब इनका झगड़ा क्या है, किस वजह से लड़ाई हो रही है नहीं पता, एक दूसरे को धमकियाँ दी जा रही हैं, वो भी तैयार बैठे हैं लड़ने के लिए, और ये बस लग रहा है जैसे अटैक करने ही वाला है छोटा वाला, जिसका नाम लुइस है, और लूसी भी तैयार बैठा है अटैक फेस करने के लिए। तो देखते हैं क्या होता है, शांत नहीं हो रहे हैं, कोल्ड वार चल रहा है, झुकने को कोई तैयार नहीं, एक सीना तान कर खड़ा है और दूसरा तोप की तरह तना हुआ खड़ा हुआ है। लुइस, लूसी, व्हाट हैपेंड? क्यों झगड़ा है तुम दोनों का? बताओ, जनता पूछना चाहती है कि क्या झगड़ा है, जनता को बताओ। तुम्हारी आवाम तुमको देख रही है। लो, मैं इतनी बकवास करे चले जा रही हूँ और कैमरा मैंने स्टडी पर लगाया हुआ है। इन दोनों का झगड़ा अभी तक कंटिन्यू है, एक दूसरे को घूर रहे हैं और अटैक करने का सोच रहे हैं, शांत होने का नाम नहीं ले रहे। इन दोनों के मन बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हैं एक दूसरे के लिए। क्या वजह हुई, क्यों झगड़ा इनका चल रहा है, ये कुछ पता नहीं चल पाया है। बट हाँ, इनके अंदर एक कोल्ड वार है जो चलता रहता है, एक दूसरे को पसंद नहीं करते, खास करके ये छोटू जिसका नाम है लुइस, ये लूसी को पसंद नहीं करता है, दोस्ती नहीं रखना चाहता उसके साथ। कैमरा रोल करते हैं और देखते हैं कि देखो इनको किसी भी तरीके से समझ नहीं सकते कि ये क्या चाहते हैं एक दूसरे से, बस स्टडी हो गए।
लड़ना है तो लड़ लो भाई, मन शांत कर लो। रुईस, रुईस, इतना गुस्से में क्यों हो? ये भी गुस्से में है। ओ बेटा, ओए बेटा, आया 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 आया। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, अलग अलग। वो नीचे चला गया, ये रहा, और ये ऊपर आ गया, ये वापस अपने बेड पर। ये होता है इनका, अटैक करता है वो, धोखा से धोखा करता है इसके साथ, धोखा धोखा में लड़ाई होगी। शरीफ है ये, कोई कहेगा तुम शरीफ हो? कहीं से कहीं तक शरीफ नहीं, बदतमीज, नो तमीज, समझ आ रहा है कुछ? हाँ, क्यों झगड़ा करते हो, क्यों गुस्सा आता है, वजह क्या है? बस घूर रहा है मुझे बैठ कर। चलो बाय बाय। वो उधर बैठे हुए हैं और ये मैडम जी इधर हैं। इन्होंने बहुत कोशिश करी कि इनका बच्चा हो जाए एग में से, बट कुछ नहीं निकला। और दो अंडे बिल्कुल स्पॉइल हो चुके हैं और अब इन्होंने अपने जो तीसरा वाला लास्ट एग बचा था उसमें बैठना छोड़ दिया है। अब वो ऐसे ही पड़ा, दिखाती हूँ आपको। ये है वो एग, ऐसे ही पड़ा हुआ है, अब इस पर नहीं बैठती है और ये पता नहीं कब तक ऐसा रहेगा, इसका कुछ भी नहीं पता। अब मुझे नहीं पता इसमें बेबी है या नहीं, बट ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब ये इसको छूतने, अभी तो इसको अभी तक तो ये आ भी जाती मारने के लिए मुझे, बट ये आई भी नहीं है इधर, इसका मतलब इसमें कोई लाइफ नहीं है। ये अंडा भी इसका यूजलेस हो गया, इसमें कोई बेबी नहीं है। अगर बेबी है तो वो अनफर्टिलाइज्ड है, अंडर डेवलप्ड है, तो वो मर चुका होगा शायद। बट इसको खोला नहीं गया क्योंकि बिल्कुल क्लोज्ड है। आई डोंट नो कि इसमें बेबी है भी या नहीं है, या अंदर ख़राब हो चुका है क्या है। और पैरट ने इस पर बिल्कुल बैठना छोड़ दिया है। मैंने अंडे को छुआ और इसने देखती रही, ये नहीं आई पास। पहले फ़ौरन से पास आ जाती थी क्योंकि इसको खुद को ही पता चल गया है कि अब इनका बेबी इस दुनिया में नहीं आ सकता, इनका अंडा ख़राब हो चुका है, एग में कोई जान नहीं है। तो इसलिए वो छोड़ कर बैठी है, केयरलेस हो गई है। नहीं है बेबी, बेबी नहीं है, वो खुद भी बोल रही है नहीं है। तो बहुत अफसोस के साथ कि इस बार भी ये पेरेंट्स नहीं बन पाए और इनके तीनों अंडे अब जो है बेकार हो चुके हैं। दो पहले ही बेकार हो चुके थे, अब जो लास्ट वाला है वो भी बेकार है। देखते हैं उसमें क्या निकलता है।